नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि कल आपका NTPC का पेपर है, ठीक है, मान लिया मैंने कि कल आपका NTPC का पेपर है और आप लोग की जितना भी आप लोग जो है पढ़े हुए हैं और एकदम आपको पता चल जाता है कि एडमिट कार्ड आ गया और पेपर होगा, तो कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कल एग्ज़ाम जाकर। आज मैंने यहाँ पर कम से कम 10-15 पेपर से क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, तो देखते हैं कितने लोग आज के इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं। 100x100 टारगेट लेकर चलते हैं, तो आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं और उन अटेम्प्ट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो इस लाइव टेस्ट के माध्यम से जानेंगे दोस्तों कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी आपकी तैयारी हो गई है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी लोग यहाँ पर NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। तो बिल्कुल आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि NTPC का मुझे अब तक का सबसे बेस्ट पेपर लगा है। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं आप लोग और अगर आप लोग टारगेट अगर यहाँ पर 100x100 क्रॉस कर देते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों इस बार आपके पेपर में 100 में से 70 नंबर कहीं नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सरल, लेवल वाइज चलेंगे दोस्तों, इजी, थोड़ा सा हार्ड, हार्ड 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 और बहुत हार्ड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सभी लोग बताएंगे 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। अब आपके सामने आया सेकेंड क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग जो है निम्न में से किसने कहा था, बताइए दोस्तों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही जवाब होगा आपका डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव। इन्होंने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत, सबसे पहली बात इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मुगल कालीन भारत, इसमें लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्यकाल इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 9th क्वेश्चन का ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव। तो कितने लोगों को पता था, सभी लोग बताइए यस करके, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की फोकस दूरी का कार्तीय चिन्ह होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक होता है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। अगर आज की वीडियो आप लोग पूरी देखते हैं, एक या फिर दो क्वेश्चन आपको NTPC के पेपर में भी मिल जाएंगे। मैं जितनी भी वीडियो अब तक मैंने प्रोवाइड कराई है, अगर आप लोग सारी वीडियो देख लेते हो तो बिल्कुल उतने ही क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हर वीडियो से मेरा एक क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% मैं गारंटी के साथ, लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर होगा आपका ऋणात्मक, किस किस का ऋणात्मक आया, वेरी गुड दोस्तों। बाकी लोग ध्यान दीजिए, अगर पेपर एकदम डेट आ जाए एग्जाम डेट, तब आप लोग क्या करेंगे, अभी से तैयारी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो राइट आंसर होगा आपकी घटती है, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है घटती है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए दोस्तों, मानव अधिकार दिवस ये आपका किस दिन मनाया जाता है। तो चलिए थोड़ी सी मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार कानून जो है अमल में लाया गया और 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को, कब, 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा पत्र की मान्यता दिए जाने पर 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस के लिए निश्चित किया गया। तो फिलहाल कैसी लगी कहानी और इस पूरी कहानी मैंने यहाँ पर इसके बारे में आपको बताया, तो राइट आंसर आएगा आप लोग का यहाँ से 18 का डी, 10 दिसंबर। ओके, चलिए फिलहाल आप तैयार हो जाइए, एक क्वेश्चन ये मैथ का है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः स्थित है, आप कौन कौन इस क्वेश्चन को लगा सकता है। मान लीजिए देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक आपका सर्किल दिया गया, एक सर्किल है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो वृत्त के अंदर है, अंतः मतलब वृत्त के अंदर है, तो इसके अंदर दोस्तों एक आपका क्या है, स्क्वायर है, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा अगर आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि कितनी है, यानी कि 2πr बराबर आपको दे रखा है 16π। दोस्तों आपको यहाँ पर पता है 2πr बराबर है 16π, पाई से पाई कट जाएगा, 2×8=16, आर बराबर आ गया हमारा 8। तो दोस्तों हमारा ये देखिए, अगर ये हमारा सर्किल की त्रिज्या है, वो केंद्र है,
सेंटर है तो ये कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और ये वर्ण का विकर्ण है तो आठ और आठ मिलाकर वृत्त का व्यास हो गया 16, और स्क्वायर का जो विकर्ण होता है कितना होता है, तो ए रूट टू बराबर आ गया 16। अगर दोस्तों ये भुजा हमारी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये हमारा ए रूट टू होगा, तो ए रूट टू बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या आएगा, 16/√2 आ जाएगा, बस स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि आपका a बराबर आ चुका है 16/√2, और आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 16/√2 एक बार और लिखेंगे, 16 का 256, नीचे आ जाएगा 2, और 128 आपका आंसर होगा। तो कितने लोगों का है 128 आंसर, सभी लोग बताइए, वेरी गुड, तो राइट आंसर आएगा आप लोग का 128। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मनी प्लांट वीजा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का संबंध किस बैंक से है। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक बैंक, ओके, एग्जैक्ट आंसर है आप लोग का कर्नाटक बैंक। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, सभी लोग बताएंगे, एक एक लोग डिस्कस कर रहा हूं, मैं सभी से पूछ रहा हूं, बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बताया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, 37 का एग्जैक्ट आंसर होगा आपका रेटिना पर। दोस्तों जो आंख के पिछले भाग पर जो रेटिना होता है, इसी पर दोस्तों क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक, जी हाँ दोस्तों बताइए, सभी लोग बताएंगे, विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। इनमें से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, इनमें से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है, 39 का एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका रिकी पॉन्टिंग, राइट आंसर आएगा आपका रिकी पॉन्टिंग। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन बी, ऑरस्टेड ने, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ऑरस्टेड ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है ये है आपका डायनेमो, राइट आंसर आएगा आपका डायनेमो। गोपालपुर समुद्र तट जो है कहाँ पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों अब तक आपको सैकड़ों पेपर करवा दिए हैं, 100 से ज़्यादा मैं पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ सभी को, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी प्रोवाइड करा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक आई आइकन का बटन आएगा, यहाँ पर आप लोग हमारी रेलवे की NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस और GS, ये सारी की सारी वीडियो देख लेंगे, हर वीडियो से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है दोस्तों, लिख कर रख लीजिए बिल्कुल, लेकिन शर्त यही कि सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब जाकर आप लोग को मैं बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों ये कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया ये है आपका ओडिशा में, गोपालपुर समुद्र तट जो है आपका ओडिशा में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मैंने कई बार आपको बताया है, तो जितने भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं मैं उन सभी को बताना चाहूंगा, बाकी तो मैं सबको बता चुका हूं, राइट आंसर होगा आपका कुमार गुप्त। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, राइट आंसर होगा आपका समांगी मिश्रण, अगर जल में आप लोग पानी में जो है अगर नमक मिला देते हैं तो विलय करने पर आपका समांगी मिश्रण बनता है। अच्छा दोस्तों बताएंगे सभी लोग, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा गामा, फिलहाल तो सभी करते हैं। जी हाँ दोस्तों वेरी गुड, राइट आंसर होगा ये सभी। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने, अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, मनसबदारी संस्था किसने शुरू की, बताइए। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, जिसका भी आंसर अखबार आया है बिल्कुल सही है। चलिए बताएंगे आप लोग, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी, बिल्कुल सही बताया, राइट आंसर होगा आपका हॉकी से। चलिए अब आपको बताना है, उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता कौन है, कौन थे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता कौन थे, राइट आंसर है युगोडी ब्रिज। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, तो कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जो लेवल रहने वाला है, जो पैटर्न है आपके पेपर का, उसी पैटर्न पर मैं आजकल आपको टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में प्रकाश दीप्तिकाल पुष्पन को कम किया जा सकता है किससे, राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का जिब्रेलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, जी बिल्कुल बताइए सब लोग, सबसे पहले सभी लोग बता दीजिए, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, राइट आंसर होगा आपका सोमालिया। मानव नेत्र का रंग निर्भर करता है किस पर, सभी लोग बताएंगे,
देखिए किसी की आंखें भूरी होती हैं अच्छी लगती हैं, नीली होती हैं और अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है? आयरिस के रंग पर। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की, अब मैं गुणसूत्र नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 53 सभी बताइए। तो राइट आंसर होगा आप लोग का 22 होते हैं। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये होती है आप लोग की 22। जिब्रेलिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया किससे? राइट आंसर होगा आपका फफून से। और देखते हैं सभी लोग बताएंगे मृदा कणों के चारों ओर स्थित जल की पतली परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं केशिका जल, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन हमारे पेपर में कई बार आ चुका है। तो मृदा कणों के चारों ओर स्थित जल की जो पतली परत होती है ये आपकी केशिका जल कहलाती है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन छोटा सा है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों भारत की बात हो रही है और ये आपका कहाँ पर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया यहाँ पर चेन्नई दिया गया है, ठीक है ना। पेपर में इसका जो आंसर है वो आपका चेन्नई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए भारत का सबसे लंबा तट जो है वो है मैरीना, मैरीना इसका नाम है जो चेन्नई में है और यह जो है बिच सेंट जॉर्ज किले से महाबलीपुरम तक फैला हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज ने कौन से पादप का अध्ययन किया था? अभी ह्यूगो डी ब्रिज का नाम बताया, अब इसने जो है कौन से पादप का अध्ययन किया? राइट आंसर होगा आपका सांधे प्रिमरोज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएगा आज के इस वीडियो से। अब से मैं जो भी प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो कई सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही आपको कराऊंगा, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी दोस्तों बस, लेकिन आप लोग के लिए इतना तो करना बनता ही है क्योंकि मुझे इस बार यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए आप लोग का। क्या आप लोग हमारे सफर में हमारे साथ देंगे? अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो बिल्कुल मान कर चलिए कि मैं भी पूरी तरीके से आपके साथ हूँ, पूरी मेहनत के साथ मैं आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। तो 58 का राइट आंसर है आप लोग का योग्यतम की उत्तर जीविता, दिसंबर 2017 को। अभी पहले के पेपर का क्वेश्चन है तो बता दे रहा है, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बताएंगे आप सभी लोग दिसंबर 2017 को घोषित चुनावों में किसने गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? राइट आंसर होगा आपका विजय रूपाणी। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? मैं पीडीएफ फाइल आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लास खत्म होने के बाद। तो राइट आंसर होगा 62 का आपका ए वाला भारत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 65 प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी कि रेजिस्टेंस यूनिट ओम। अब आपको बताना है को एस्टरवेड बनता है किससे बनता है दोस्तों? अब आप सभी को बताना है को एसरवेट, ठीक है ना, को एसरवेट किससे बनता है? राइट आंसर होगा बसा और प्रोटीन से। चलिए अब आपको बताना है तत्व के परमाणु भार को उसकी संयोजकता से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या को क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल तुल्यांकी भार बोलते हैं। नेक्स्ट सी ए आपके ऊपर दो प्लस लगे हैं, दो आयन है, ठीक है ना, धनात्मक, और सी एल मतलब क्लोरीन, ये आपका ऋणात्मक आयन परस्पर जुड़े रहते हैं किस बंध के द्वारा? राइट आंसर होगा 68 का ऑप्शन बी स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ आपका अगला क्वेश्चन कौन सा पेपर में आ सकता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम सभी लोग बताएंगे। तो इनके द्वारा एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, इनके द्वारा लिखी गई है, ये है महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी। ओके चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वायु है क्या है वायु? क्वेश्चन देखने में जितना ही छोटा है उतना ही पेचीदा है, लेकिन बहुत बार आपके पेपर में आ चुका उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर होगा आप लोग का मिश्रण। क्यूबा की राजधानी, सारे देश और राजधानियां पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। राइट आंसर होगा आपका हवाना। इनमें से क्या भारत से होकर गुजरती है बताइए दोस्तों, इनमें से क्या भारत से होकर गुजरती है? राइट आंसर होगा आपका कर्क रेखा। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ उन सभी को बताना चाहूँगा रेलवे के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं दोस्तों, क्योंकि कितने क्वेश्चन इतने पेपर रेलवे ने कराए कि रेलवे बोर्ड भी नहीं जानता उसने कितने पेपर अब तक करा दिए, कितने क्वेश्चन कितनी बार करा चुका है। इसलिए मैं पेपर वाले सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दूंगा, तो अलग से किताबों से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निम्न में से किन पर ऋणावेश होता है सभी लोग बताएंगे। 74 का राइट आंसर, राइट आंसर आपका बीटा किल्ड। एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा ही नहीं, देखिए मैकेफे फ्री, ठीक है, ए वी जी वायरस, कैस्पर स्काई एंटीवायरस, ए यू। तो मुझे यहाँ पर गलत लग रहा है, 75 का आंसर है डी, ये मैंने आज तक कोई भी वायरस नहीं देखा एंटीवायरस।
इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के जलयान उद्योग प्रमुख रूप से स्थापित है कहां पर? विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इस्पात उत्पादन से संबंध नहीं रखता है? कटनी, नाम तो सुना ही होगा कटनी का, ठीक है, नाम सुना तो याद भी कर लीजिए। जापान की राजधानी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सही जवाब है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। हाँ दोस्तों, अब आप लोग बताएंगे संविधान की उद्देशिका प्रैम्बल प्रस्तावना के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति होती है किससे? 79 एग्जैक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। सही जवाब है प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आपको बताना वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जुलाई 2017 में किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका लंदन में। इसके बाद देखते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं दोस्तों। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मैंने बहुत बार आपको याद कराया तो रट डाली, अब तो रट लीजिए दोस्तों कम से कम। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये किया था आपका अली बंधु ने। इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा 7 दिसंबर 2017 को किस उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया? सही जवाब होगा आपका कुंभ मेला। इसके बाद आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं? गूगल सर्च इंजन है, याहू भी है, तो 84 का जो राइट आंसर होगा ये है फेसबुक। फेसबुक एक सोशल साइट है ना कि सर्च इंजन। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका पर्यावरणीय संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर उद्योग के लिए निम्न में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? 86 राइट आंसर आपका है पुरुलिया। सही जवाब है पुरुलिया। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सभी लोग जानते ही हैं। राइट आंसर होगा आपका 1911 ईस्वी में। चलिए अब आपका क्वेश्चन ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट इनपुट पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत हार्ड नहीं आएंगे। 88 का राइट आंसर है स्कैनर। तो बिल्कुल मैं दोस्तों उस पैटर्न से आपको करा रहा हूँ जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर का पैटर्न रहेगा, और जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वही लेवल आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत हार्ड नहीं पढ़ना है, बहुत इजी नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आएगा सिर्फ वही पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, 1929 में केंद्रीय विधानमंडल पर किन दो व्यक्तियों ने बम फेंका था? 89 का राइट आंसर होगा आप लोग का भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, ये दो लोग हैं, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पारित किया? सभी लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका 1935 में। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? सूरत जो है ये आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड होता है इसके द्वारा, तो 92 का राइट आंसर होगा, टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना डेल्टा नहीं बनाती? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, पहले तो ये जान लीजिए, और राइट आंसर होगा आपका ताप्ती, ये जो है डेल्टा नहीं बनाती मुहाने पर। भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतर जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 94 का राइट आंसर होगा आपका कछारी मिट्टी। ओके, एग्जैक्ट आंसर होगा आपका कछारी। मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? 95 का राइट आंसर है आप लोग का SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस विलियम्स किस खेल से जुड़ी हैं? वीनस विलियम्स जो है किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हैं दोस्तों लॉन टेनिस से, क्लियर है। और अब देखते हैं दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न, जाते जाते आप सभी को इसका जवाब और देकर जाना है। तो किस किसने सबसे पहले किस किसने यहाँ पर पूरा टेस्ट दिया है, किसका यहाँ पर पूरे 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 में से पूरे क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिसका यहाँ पर आज 70 में से अगर यहाँ पर आप लोगों के 70 में से अगर 60 क्वेश्चन भी अगर आपको आते थे तो मान कर चलिए दोस्तों आपके जो पेपर होगा 100 क्वेश्चन का 100 में से 70 आप लोगों के कहीं नहीं गए बिल्कुल। अगर आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे तो फिर वो टाइम दूर नहीं जब आप लोग जॉब कर रहे होंगे और मैं आपको बधाइयाँ दे रहा हूँगा।
ओके तो बिल्कुल इस बात को सच करके दिखाएंगे, अब की बार एनटीपीसी का सपना सच होगा सबका। तो 97 का दोस्तों राइट आंसर जो होगा आप सभी का ये होगा आपका बी वाला महाराष्ट्र। ओके तो किस किस का महाराष्ट्र आया, वेरी गुड सभी के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही रोमांचित क्वेश्चन के साथ जो कि आपके पेपर में आए हुए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर ढूंढते हैं थोड़े बहुत प्रश्नों को जो पेपर में आ चुके हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो भी आपको कराएंगे, पहले ढूंढ लें उसके बाद आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल कैसे लगे वीडियो, पीडीएफ फाइल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, सभी लोग पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में, तब तक ले दोस्तों नमस्कार।